कितने सेहतमंद हैं? आपकी सेहत और उससे मुतालिक तमाम सवालात के जवाबात हर जुमे की सुबह 10 बजे से 12 बजे सुनना मत भूलिए। प्रोग्राम आपकी सेहत सिर्फ हॉट एफएम 105 रेडियो नेटवर्क पर। आपकी होस्ट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह जुम्मे के दिन हम हेल्थ फॉर एवरीवन आप सब लोगों के लिए पेश करते हैं, सेहत आप सब के लिए। और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात को मदऊ करते हैं और उनसे आपकी सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। यकीनन आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में शायद हम ज़िंदगी की दौड़ में इतना आगे बढ़ने की दौड़ में बस भागे ही चले जा रहे हैं, लेकिन हम शायद ये भूल जाते हैं कि हमारी सेहत ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर सेहत नहीं है तो शायद जो दौड़ है इसमें कहीं ना कहीं हम एक वक्त पे आके हार जाएंगे। सामीन, हमेशा की तरह हम आपके लिए एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आज का जो हमारा एक टॉपिक है आज के पहले घंटे का, वो है निमोनिया के बारे में हम बात करेंगे। यकीनन कि क्या है, उसकी क्या वजूहात हैं, क्या सिम्टम्स हैं और हम इससे किस तरह बच सकते हैं। आज का हमारा ये शो डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जा रहा है। हमारे स्टूडियो में डॉक्टर फसीहा सुहेल मौजूद हैं, एसोसिएट डायरेक्टर एकेडमिक्स क्लिनिकल, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन FCPS मेडिसिन PGD मेडिकल बायोएथिक्स। और आज हम डॉक्टर फसीहा से जानने की कोशिश करेंगे कि ये निमोनिया क्या चीज़ है, किन वजूहात की वजह से होती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फसीहा, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फसीहा, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे निमोनिया हम सब जानते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और क्या है और क्या इस वक्त अगर हम देखे जाएं तो क्या ये वाकई ऐसा मर्ज बन चुका है जो कि जानलेवा भी हो सकता है, तो मैं चाहूँगी कि उसे प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल बताएगा। अच्छा अंबर, ये जो आपने पहली बात की ना कि निमोनिया बैक्टीरियल है, ये एक ऐसी बात है जिस पे काफ़ी लोगों को एक मिसकंसेप्शन है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है। वो ये है कि निमोनिया सिर्फ बैक्टीरिया से नहीं हो सकता, ये वायरस से भी हो सकता है और फंगस से भी हो सकता है। सो ये तीनों जो जरासीम हैं ये निमोनिया कॉज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो बात आपने की कि क्या जानलेवा हो सकता है, यकीनन ये कुछ कंडीशंस में या किसी हद तक कुछ मरीज़ों में जानलेवा हो सकता है। जैसे हम अभी हम देखते हैं कि कोरोना के बाद ये एक वायरस है जो कि जो निमोनिया कर रहा है मरीजों में, तो वहाँ हम देखते हैं कि इसकी जो एंड रिजल्ट है वो काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि हर निमोनिया ख़तरनाक नहीं होता, हर मरीज में इसका रिस्पॉन्स फ़र्क आता है, और लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो निमोनिया एक काबिल इलाज मर्ज़ है, काबिल इलाज मर्ज़ है। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर फसीहा, मैं ऐसे जानना चाहूँगी कि इसकी कोई ख़ास वजह होती है कि ये एकदम से हो जाता है, और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और किस एज ग्रुप के अंदर ये ज़्यादा देखा जाता है? यूजली हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को भी हम सुनते हैं कि निमोनिया हो गया, और कोई पर्टिकुलर सीज़न है इसका, तो इस पर थोड़ी सी डिटेल बताएगा। अच्छा देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि निमोनिया वैसे तो हर उम्र के इंसान को लाहक हो सकता है, लेकिन उमूमी तौर पर कम उम्र लोग, यानी कि छोटे बच्चे, 4 साल से छोटी उम्र के लोग और ज़ईफ़ुल उम्र यानी 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में इसकी फ्रीक्वेंसी या मतलब होने का चांस ज़्यादा होता है, और उन्हीं इसी एज ग्रुप में इसका रिज़ल्ट कभी कभी ऐसा हो सकता है जो कि हमारे लिए परेशान कर, लेकिन ये हर उम्र में हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने सवाल किया था वो ये किया था कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से क्यों होता है। इसमें बहुत सारी बातें, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है, जो निमोनिया जिसको हम जनरली कहते हैं वो इन्फेक्शन होता है ज़्यादातर 90% जो बैक्टीरिया से होता है। और इसमें होता क्या है हमारे फेफड़ों के साथ?
नमोनिया नाम निकला है न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से, जिससे वर्ड नमोनिया निकला है. एक्चुअली ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि नमोनिया सिर्फ न्यूमोकोकल से होता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन इस नाम के बिना पर इसको नमोनिया कहा जाता है. नमोनिया का जो जो हर्फ आम में, इसको समझने के लिए ये चीज़ समझें कि ये एक जो भी जरासीम आपके जिस्म में आए, एयरवे के थ्रू आए, नाक के जरिए, मुंह के जरिए, सीने में गए और फेफड़ों में जाके उसने एक वर्म किसी कैफियत पैदा की, जिसके बाद आपको बुखार लाहक हुआ, खांसी हुई और आपकी सेहत में गिरावट आई. तो उसके बाद फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें सांस का फूलना है, इसके अलावा दिल सारे सिम्टम्स हैं, फिर दिल के, जिगर के, फेफड़ों के, बहुत सारे अदर ऑर्गन्स जो हैं वो भी इसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व होते हैं अगर वो कॉम्प्लिकेटेड. लेकिन जनरली नमोनिया सीने के इन्फेक्शन को कहा जाता है, यानी फेफड़ों के इन्फेक्शन. ठीक. अच्छा डॉक्टर फसिया, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें नहीं पता चलता कि हमें निमोनिया हो गया या हमारे बच्चे को निमोनिया हो गया, क्योंकि इसके सिम्टम्स वैसे हैं कि आपको खांसी है, बुखार है, बलगम आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा जहन निमोनिया की तरफ नहीं जाता है. और अगर हम बूढ़ों के अंदर देखते हैं तो ये भी देखा गया है कि टेम्परेचर भी लो हो जाता है उनका, डिफरेंट ऐसी चीज़ें देखी गई हैं. तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें निमोनिया है और हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? देखिए, एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की है इस आपके इस प्रोग्राम के थ्रू, मैं चाहती हूँ कि सामीन ये नाजरीन तो नहीं महीने सुने ये बात जरूरी के जो मौसम के तगैयर में जो गला खराब होता है जनरली, जिसे हम कॉमन फ्लू कहते हैं, उसके लिए जरूरत से ज्यादा अग्रेसिवली ट्रीटमेंट करवाना या डॉक्टरों के पास जाना और जो है एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल करना, गलत तरीके से भारी एंटीबायोटिक्स का सही डोज में इस्तेमाल ना करना और सही टाइमिंग तक इस्तेमाल ना करना, इस नमूनिया की बहुत बड़ी वजह है आजकल के ज़माने में हमारी अर्बन एरियाज़ में. हम जिस तरह कराची में देखते हैं, मिसाल के तौर पर मेरा गला ख़राब हुआ, जैसे आजकल सर्दियां हैं, पिछले हफ्ते मेरा गला ख़राब हुआ, जो ज़ुकाम हुआ, फ्लू हुआ, अगर मैं 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए गलत खुराक एंटीबायोटिक की, भारी एंटीबायोटिक की खा लूँ और रोक दूँ उसको बीच में, क्योंकि 2 दिन में मुझे लगेगा बेहतर हो गया, जो कि नॉर्मली जो राइनो वायरस, जो नॉर्म कॉमन फ्लू का जो वायरस है, वो 2 से 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है. उसका एक प्रोसेस है. तो उसको मैंने बीच में अपनी तरफ से छेड़ दिया और जो मेरे हलक के अंदर नॉर्मल बैक्टीरिया थे वो ग्रो कर गए. उस बैक्टीरिया ने उस एंटीबायोटिक को अपने साथ, उसके साथ फाइट की और बैक्टीरिया ने समहाउ द अदर उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया. अब वो जो बैक्टीरिया जो थ्रोट में होगा वो ट्रेवल करेगा नीचे और वो लंग्स में जाके इन्फेक्शन कर देगा. सो ये सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ फ्लू को कॉम्प्लिकेटेड कर देना है, यानी कि गैर मयारी इलाज और ऑन द काउंटर जो मेडिसिन खुद लेके खा ले, एक बहुत बड़ी वजह है. दूसरी वजह ये कि समाउ द अदर में देख रहे हैं कि दुनिया में लोगों की जो रुझानात है जनरली वो बड़े खराब है. एक छोटा सा टाइम चेक है, इस पे रुकना बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना अभी डांट पिट जाएगी. तो सामीन आपने कहीं नहीं जाना और नाजरीन भी, फेसबुक पे एक बंदे ने कहा है जो हम नाजरीन भी हम देख भी रहे हैं. स्टे ट्यून्ड विद अस. 10:50 AM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय फिनिक्स. लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा, ब्रेक का नो मोर वेट आईडिया विंटर सेल. Ideas ki great winter sale. Jahan milega up to 70% great discount. Now available in stores and online. GulAhmedShop.com. Daraz presents 11:11. Download kare Daraz app. Aur 11 November ko, theek 12 baje, enjoy kare Golden Hour. Jahan aapko mile beshumar products. Sirf 11 rupay mein. Aur 1300cc car. Sirf 1 rupay mein. Daraz 11:11. Badi sale ki badi bachat. Hot 105. Daraz presents 11:11. Phir na kehna discount nahi mila. 11 November ko raat 12 bajte hi collect karo seller vouchers, bank discount vouchers, firework vouchers aur enjoy karo Daraz 11:11. Badi sale ki badi bachat. अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में
जो आप हर जुमे की सुबह हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव सुनते हैं। सामीन, हमेशा की तरह हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर फसिया सुहेल, शी इज़ अ कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल, और आज का हमारा शो भी डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जा रहा है, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो निमोनिया है। सामीन अगर और नाजरीन, आप लोग दोनों अगर कोई भी सवाल निमोनिया से रिलेटेड या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो आपके सीने से रिलेटेड हो, आपके फेफड़ों से रिलेटेड, तो आप हमसे बिल्कुल सवाल कर सकते हैं, और हमेशा की तरह आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 02111000105, और फेसबुक पेज पे जाइए हॉट एफएम 105 के, लाइक कीजिए और वहाँ लाइव देखकर सवाल भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर फसिया, हम बात कर रहे थे कि जो हम खुद से मेडिसिन लेके उसको ख़राब करते हैं। बिल्कुल, तो ये एक हमारे यहाँ जनरली रुझान बन गया है। तो जो समझने वाली बात है, देखें जो कॉमन वायरल, जो 80% लोगों को सर्दियों के मौसम में एक रनी नोज और एक सोर थ्रोट डेवलप होता है, वो वायरस ही करता है। ठीक है, कोविड से पहले तक तो हम इस वायरस के बारे में बिल्कुल ही किसी सूरत परेशानी नहीं होते। अब थोड़ा सा ये सोचना पड़ता है कि कहीं कोविड ना हो। सो उस सूरत में भी अगर आप देखिए, कोविड भी अगर अपर रेस्पिरेटरी यानी ऊपर के हिस्से में नाक जुकाम गले के एरिया को इन्वॉल्व करता है, तब भी आपने कुछ नहीं देना। इसमें ही जो पहले ज़माने में किया जाता था होम रेमेडीज, जिसमें जो शानदा है, शहद का इस्तेमाल है, अदरक दालचीनी का इस्तेमाल है, बहुत अच्छा, और हाँ, और जैसे इस मौसम में यखनी का इस्तेमाल है, तो ये चीज़ें जनरली आपके जो कुव्वत मुदाफियत है उसको भी बढ़ाती हैं, और एक जो सिम्टम होता है जिसमें इचिंग थ्रोट की और ये सब सिलसिले, उसको भी इम्प्रूव करती हैं। और थोड़ा सा वक्त दीजिए, मौसमी फल का इस्तेमाल कीजिए, इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, तो वक्त के साथ ऑरेंजेस आने वाले, कीनू आने वाला, बिल्कुल, और वक्त के साथ ये चीज़ें खुद ब खुद बेहतरी की तरफ हो जाती हैं। हाँ, कुछ कंडीशन जिसमें लोगों की इम्यूनिटी लो हो, उसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि खुदा के वास्ते ऑन द काउंटर मेडिसिन ना लें, और ख़ासतौर पर एंटीबायोटिक। ये आप एक्चुअली निमोनिया के ऑर्गेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स ऑन द काउंटर। अच्छा, एक सवाल भी है फेसबुक पे कि निमोनिया इन्फ्लुएंजा फ्लू में क्या फ़र्क है। अच्छा देखिए, इन्फ्लुएंजा इज़ अ वायरस। ठीक है, सही, इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस का नाम है, और इससे ही जो टर्म फ्लू की निकली है, ये इन्फ्लुएंजा। तो देखिए, अब इसमें और आपके लिए समझने में आसानी हो जाती है कि जो ज़्यादातर खांसी ज़ुकाम जो मौसमी होता है वो वायरस ही की वजह से, उसमें सिर्फ इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं होता, और भी वायरसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमनली आपको जैसे राइनो वायरस हमारे यहाँ बहुत कॉमन, इन्फ्लुएंजा भी एक राइनो वायरस है, और भी दूसरे वायरसेस हैं जो बहुत कॉमन। तो ज़्यादातर जो है आपको जो ज़ुकाम खांसी है मौसमी जो होती है वो वायरस ही की वजह से होती है। अच्छा, इन्फ्लुएंजा वायरस नमूनिया भी करता है, लेकिन जनरली नहीं करता। सो वायरसेस जो हैं ज़्यादातर खुशकस्मती से सिर्फ अपर एयरवे को इन्वॉल्व करते हैं, नमूनिया नहीं करते, नहीं करते। ओके, अच्छा डॉक्टर फसिया, आप जैसे आपने सिम्टम्स थोड़े से बताया कि मैं चाहूँगी इस पर थोड़ा सा और बयान कीजिएगा कि बच्चों और बड़े, ठीक है ना, क्या दोनों के सिम्टम यूजली सेम ही होते हैं? थोड़ा सा फ़र्क है इनमें। कुछ जो चीज़ें कॉमन है पहले मैं वो बता देती हूँ। अमूमन नमूनिया क्योंकि शुरू होता है कुछ लोगों में सीने के, चेस्ट पेन, खांसी और बुखार से, लेकिन छोटे बच्चों में और ज़ईफ़ुल उम्र लोगों में कभी कभी बुखार नहीं मिलता हमें, बल्कि हाइपोथर्मिया यानी टेम्परेचर का लो होना, सर्दी लगना। अच्छा, कभी कभी कुछ मरीज़ों में, यही बच्चों में और ज़ईफ़ुल उम्र में, कोविड में भी हम देख रहे थे कि खांसी भी नहीं होती, सिर्फ सीने में दर्द होता है और सांस फूलता है। सो ये अलामत भी हो सकती हैं, यानी कि खांसी और बुखार के अलावा भी अलामत हो सकती हैं, जिसमें से सीने में दर्द और सांस फूलना जो निमोनिया की प्रेजेंटेशन हो। अच्छा, एक चीज़ मुझे और समझती है कि जैसे निमोनिया में आपने कहा हमारे फेफड़े असर अंदाज होते हैं, जैसे पेन भी है, इन्फेक्शन भी होगा, एंटीबायोटिक भी खानी पड़ी है, तो जैसे हमारे फेफड़े कोविड निमोनिया में देखा गया कि वो डैमेज हो गए, ठीक है, कुछ लोग तो उससे बच नहीं सके और उनकी डेथ हो गई, कुछ लोग ठीक हो गए लेकिन उनकी रिकवरी बहुत स्लो है, तो क्या इतना डैमेज कर देता है कि उसकी रिकवरी में टाइम लगता है निमोनिया? देखिए, कोविड जो है ना, ये हमारे लिए एज अ डॉक्टर भी एक चैलेंज है, और हम इस पर भी सीख रहे हैं। जो चीज़ें इस अरसे में 2 साल के अंदर हमने देखी, वो ये देखी कि कोविड की कुछ मरीज़ों में रिकवरी बहुत स्लो है, और कुछ मरीज़ जो हैं वो इससे पूरी तरह निकल भी आए हैं,
70-80% लोगों को सिम्टम्स रह गए हैं. अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सीने के सिम्टम्स हों, इसमें दूसरे सिम्टम्स हैं जिसमें सर दर्द है, कभी हल्का फुल्का बुखार हो जाना है, इसके अलावा घबराहट है, इसके अलावा हाथ पैर सुन्न होना है, सर दर्द, नींद का ना होना, ये सब मसले मसाइल रह जाते हैं लोगों में. अच्छा, जहाँ तक नमूनिया का ताल्लुक है, जो कोरोना ने लोगों के सीनों पर असर किया है, वक्त के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि अभी भी वो मरीज हमारे फॉलोअप में हैं, यानी कि वो मरीज अभी हमारे पास आते हैं जिनको पिछले साल में या इस साल की शुरुआत में नमूनिया हुआ था, तो हम ये देख रहे हैं कि उनके जो फेफड़ों की अलामत हैं वो वक्त के साथ साथ बेहतर हो रही हैं, और इनके एक्सरेज भी और सीटी स्कैन्स भी जो हम सीरियली फॉलो कर रहे होते हैं, ये भी वक्त के साथ बेहतर हो रहे हैं. कुछ लोगों में कुछ चीज़ें रह भी गई हैं. मिसाल के तौर पर अगर किसी के फेफड़े 80% खराब हुए थे तो वो बेहतर होते 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 20% तक हो गए, लेकिन 20% की जो कमजोरी है फेफड़ों की, जो हम सीटी स्कैन पे पिक करते हैं, वो रह सी गई. वो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, जैसे कहीं स्कार छोड़ गई है, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान भी रहते हैं, और हम भी एज ए क्लिनिशियन उनके हवाले से थोड़ा सा उनको देखभाल करनी पड़ती है. लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि किसी को अगर हो गया तो ठीक नहीं हो सकता, बहुत सारे बिल्कुल 100% ही ठीक भी हो गए, लेकिन कुछ में रह भी गया, और ये फिर ये वक्त बताएगा कि ये कब तक रहेगा, क्योंकि जो इससे पहले इससे मिलते जुलते वायरस देखे गए उनमें ये भी हुआ कि 2 साल के बाद ये बिल्कुल ख़त्म भी हो गए. सो ये वक्त बताएगा कि ये बिल्कुल 100% ही चला जाता भी है या नहीं, क्योंकि कुछ में चला गया कुछ में रह गया. एक कॉल भी लेते हैं डॉक्टर कैसिया जी. अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. मैडम, मोहम्मद हुसैन अस्कर, कराची बनारस. जी मोहम्मद हुसैन साहब, कोई सवाल करना चाहेंगे? जी, मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरा एक बच्चा है तकरीबन 1.5 साल का है, ठीक है, उसको पिछले साल इन्हीं दिनों में सीने में इन्फेक्शन हो गया था, नमूनिया का शिकायत था, तो अभी भी उसका जो है ना क्या नाम है, सीने में खांसी वगैरह भी कर रहा है, और उसको छींक के यानी नज़ला भी बहुत ज़्यादा आ रहा है. पिछले साल तकरीबन इन्हीं दिनों में वो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में मैंने उसको तकरीबन 2 महीने तक मैंने घुमाया फिराया, अल्लाह पाक ने उसको सेहत दे दी, लेकिन अभी भी उसका सीने में जो है ना यानी खांसी भी है, और क्या नाम है नज़ला, और यानी जो छींके भी करता है. तो इसके लिए अगर डॉक्टर साहब कोई मुनासिब तरतीब बता दें. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का. जी अच्छा, बच्चा 1.5 साल का है और उसको पिछले साल भी कुछ नमूनिया की तरह का इन्फेक्शन हुआ. अच्छा, बहुत हद तक मुमकिन है, क्योंकि आजकल बच्चों में बहुत देखते हैं कि बच्चे एटोपिक होते हैं, या जिसे कहें जिनमें एलर्जीज का इशू होता है, या ये अर्बनाइजेशन का एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि हम कराची में ख़ास तौर पर जो बच्चे अब हम देख रहे हैं छोटे बच्चे, इनमें दमा बहुत कॉमन है, और इस हद तक कॉमन है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अनलेस प्रूवन अदरवाइज एवरी चाइल्ड हैज़ सम काइंड ऑफ एटोपी, तो वो कोई ना कोई एलर्जी उनको रहती है. अब होता ये कि ये मौसम बदलता है, इस वक्त इनको ज़ुकाम होता है, फ्लू होता है, और जो हमारे सांस की नाली है एस्थमा की तरह बिहेव करती है, और उसके साथ एक ब्रोंकाइटिस. अच्छा, ब्रोंकाइटिस और नमूनिया में हल्का सा फ़र्क है, वो समझना ज़रूरी है, और वो डेवलप करता है. अच्छा, ये वायरल ब्रोंकाइटिस होता है, यानी वायरस की वजह से ब्रोंकस इन्वॉल्व होते हैं. फिर गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने XYZ दवाइयाँ दी, 2 दिन ली 3 दिन ली, क्योंकि हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि घर के पास वाले क्लिनिक पे जाएं, वहाँ से हम कुछ गुजारे लायक दवाई ले लें जिससे हम ठीक भी हो जाएं जल्दी. अच्छा देखिए, बच्चों में अगर वायरल ब्रोंकाइटिस होता है ना, तो ये 3 हफ्ते चलता है, ये समझने वाली बात है. 2 हफ्ते से 3 हफ्ते, ये मैं नहीं कहूँगी कि 2 से 3 हफ्ते बुखार चलेगा, बुखार हो सकता है हफ्ता चले, लेकिन खांसी 2 से 3 हफ्ते चलती है. नॉर्मल खांसी को एक महीना लगता सही होना. सो ये माँ बाप जो है वो जल्दी परेशान हो जाते हैं. अच्छा, बच्चा अगर खा रहा है, पी रहा है, बुखार नहीं है, खांसी है, उसको डॉक्टर को एक दफ़ा दिखलाइए, और अगर उसको लगता है कि उसको नमूनिया नहीं है तो खुदा के वास्ते उसको छोड़ दीजिए. अच्छा, होता क्या है जब आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं ना एक्सेसिवली, तो होता क्या है कि जो आपकी अंदर कुव्वत मुदाफ़त है, अल्लाह मैंने फौज बनाई है ना जो फाइट करती है इन्फेक्शन के लिए, वो फाइट करती ही नहीं, वो सिटिंग आइडल है. जैसे एक फौज को अगर आप छोड़ दें, कुछ भी ना उससे काम लें, तो वो सुस्त रफ्तार हो जाती है, बेकार हो जाती है. तो फिर वो क्या करती है, वो अपने ही जिस्म के अगेंस्ट लड़ना शुरू हो जाती है, जिसे हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं. और ये जो बच्चों में आजकल हम देख रहे हैं वो इसी तरह की एक चीज़ है कि हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं. जी जी जी, एंटीबायोटिक्स देते हैं उसको नेचुरल तरीके से हील होने की चांस ही नहीं देते. अच्छा, इस बच्चे का जो मसला बताया गया, हो सकता है ये
एस्थमेटिक हो. अच्छा, एस्थमा जरूरी नहीं है सिर्फ सांस का मसला हो, लोगों को जुकाम खांसी भी को भी एस्थमा कहा जाता है. और ये हर इस मौसम में ये इन्फेक्ट होते होंगे और उनको वायरस इन्वॉल्व, क्योंकि वायरस तो बच्चों को लगता है, दो साल तक तो बच्चे वायरस से एक्सपोज रहते हैं और ये उससे कॉम्प्लिकेट हो जाते होंगे. तो मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है नमूनिया ना होता हो, इनको वायरल ब्रोंकाइटिस होता हो जिसके साथ बुखार चढ़ता हो दो हफ्ते तक और खांसी तीन हफ्ते चलती हो, और ज़ाहिर डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हों. और हो सकता है कि ये गैर मयारी इम्यूनिटी की वजह से ये नमूनिया में कन्वर्ट भी होता हो. इनको चाहिए कि डॉक्टर से रुजू कीजिए और एस्थमा का प्रॉपर इलाज कराइए लॉन्ग टर्म और बच्चे की इम्यूनिटी इम्प्रूव करें. एक और कॉल लेते हैं. जी सलाम अलैकुम. वालेकुम सलाम, ये खालिद बोल रहा हूँ. जी खालिद साहब, तो दो सवाल करने थे, एक तो आपसे एक डॉक्टर साहब से. जी जी, आपसे ये पूछना है कि ये पिछले प्रोग्राम में जो एक तो डॉक्टर साहब आए थे फालिज के जी जी, और दूसरे शुगर के जी, तो दोनों का मुकम्मल नाम और उनसे मिलने का क्या कहाँ पे. अच्छा ठीक है. और दूसरा, दूसरा डॉक्टर साहब से ये है कि अक्सर गले में खराश की शिकायत हो जाती है, तो है, उसके लिए क्या करना चाहिए. ठीक है जी, ओके, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का. जी डॉक्टर साहब, पहले आप जवाब दे दें फिर मैं देती हूँ. गले में खराश होती है तो बेगम से कहिए कि लाजवाब सी यखनी बना के आपको पिलाएं और जोशांदा मिला के पिए और शहद का इस्तेमाल करें, और बहुत दर्द हो तो पैनाडोल लें और गरारे करें. और मल्टी वाइटमिन नहीं भी ले पाते तो कोई बात नहीं, मौसम का जो फल आजकल आया वो इस्तेमाल करें, दैट्स इट. बिल्कुल. और जो फॉलिज के डॉक्टर थे उनका नाम था डॉक्टर नुमान अली, ठीक है, आप इनको आगा खान में दिखा सकते हैं. और जो शुगर की डॉक्टर थी वो डॉ मेडिकल की थी, ठीक है, आप उनको भी दिखा सकते हैं, डॉक्टर फहीम शेख नाम था उनका. अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर फैसिया और भी हैं कि जैसे बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको उनका एक उनका सीना बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो इस पर एक सवाल है सुहेल का कि अगर हम बच्चों को चाय दे दें दालचीनी डाल के तो वो सही है. बिल्कुल सही है. सही है. अच्छा, कोई हर्ज नहीं है. वो ये है कि अगर एक 8 महीने का बच्चा है तो उसको आप पूरी कप नहीं पिलाएंगे चाय की ना, आप 2 से 4 चमचे दालचीनी डाल के कहवा बना के उसको आराम से पिला. अच्छा, और एक और सवाल है साथ में कि जो गाय का दूध होता है उसके टाइमिंग्स क्या है, मतलब हमें कब, छोटे जैसे नामुदा जो बच्चे होते हैं उनको हमें कब देना है. अच्छा, जो नौमौलूद बच्चे होते हैं मैं तो मशवरा दूंगी कि गाय का दूध जब तक मतलब मदर ब्रेस्ट मिल्क पे है तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए और माँ का दूध माँ के बच्चे के लिए, इंसान के लिए, तो वो उस पर ही फोकस करें. हाँ, 6 महीने की उम्र में जब बच्चा पहुँचता है तो उस वक्त उसकी वीनिंग स्टार्ट होती है, यानी खाना शुरू करता है ना, उस वक्त वो गाय या भैंस के दूध की चीज़ें बनाकर बच्चे को दें. फीडर की मैं बिल्कुल हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि वो सिर्फ दूध नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें लेके जा रहा होता है. तो इतना ज़बरदस्त निज़ाम है अल्लाह मियाँ का, उसको फॉलो करें, कुछ भी राइट लेफ्ट होने की ज़रूरत. वेरी ट्रू. एक और कॉल लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. जी कौन. मेरा नाम गुलाम नबी, मैं डाकरान शेख खुदा मंसूर से बोल रहा हूँ, बलूचिस्तान. जी जी, प्लीज बोलें, क्या कहना चाहते हैं. मेरी बेटी है को अंदाजन 30-32 साल अभी उसका उम्र हो गया है, इसको कम से कम चलो ठीक टाइम से बचपन से इसको ये मिट्टी का दौरे पड़ रहे थे, उस टाइम में भी डॉक्टरों से क्या गोली भी दे दिया, फिर 2-3 साल होता है जीना भी दिया, वो भी यही बोला दिमाग सही है, इसका क्या फिर इसका मिट्टी का दौरा है, एक गोली गोली से अभी मन कर रहे मन अकल का उसको अपना दिमाग भी काट देता है और ऊँट भी काटता है, यानी दादो से ठीक है. बहुत जी, बहुत शुक्रिया. ठीक है ठीक है, अभी डॉक्टर साहिबा इसमें बताती हैं. ठीक है, आप शो सुनते रहिए. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का. सामईन, हमारे पास एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, इसको फिर कंटिन्यू करते हैं. डॉक्टर फैसिया सुहेल हमारे साथ आज मौजूद है, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, और हम निमोनिया के ऊपर बात करें. स्टे ट्यून्ड विद अस. We will be right back after this short commercial break. Taras presents 11-11. Mobile par 25,000 ka discount. Fridge pe 15,000 ki bachat. Fashion brands par flash sale. Jaldi se add to cart karein. Aur 11 November se enjoy karein. Taras 11-11. Badi sale ki badi bachat.
मैं हूं आपका वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह। मेरी गुजारिश है कि वैक्सीनेशन सिंध गवर्नमेंट ने हमारे तमाम तालीमी इदारों के लिए लाजमी करा दी है। उस्तादों को, नॉन टीचिंग स्टाफ को और पेरेंट्स को जिसके बच्चे स्कूल में आते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन लाजमी है। ये आपकी सेहत का मामला है, आपकी जिंदगी हमें अजीज है। हमें अपने बच्चों को मुस्तकबिल का मामार बनाना है, वो अपने मुस्तकबिल के मामार है। मेरा पैगाम ये होगा कि सबको वैक्सीन करवाइएगा और जितनी वैक्सीनेशन का हम नंबर अपनी सोसाइटी में बढ़ाएंगे तो लॉकडाउन से, स्कूलों की को बंद करने से, ओपनिंग रीओपनिंग के इशू से हम निकल जाएंगे। सो तमाम जितने भी हैं सिंध हुकूमत की हेल्थ डिपार्टमेंट की दी हुई SOPs जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, इन सबको लाजम है और इनको अपने स्कूलों में, अपने स्टाफ में और हर जगह इसको लाजमी अपनाएं, अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, वैक्सीन करवाएं। सेहतमंद सिंध का इस कोरोना के दौर में बिल्कुल डायरेक्टली ताल्लुक है वैक्सीनेशन से। गेट वैक्सीनेटेड सून। ये पैगाम हुकूमत सिंध, महकमा तालीम और ख्वानदगी और यूनिसेफ की जानिब से पेश किया जा रहा है। दराज प्रेजेंट्स 11:11। मेरी बेडशीट, मेरे कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान कहाँ से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दराज पे, वो भी 11:11 पे, 11 नवंबर से। तो फिर अभी एड कार्ड करें, दराज 11:11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर फसिया सुहेल मौजूद हैं, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन फ्रॉम डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल। आज निमोनिया के ऊपर बात करें और डॉक्टर फसिया जिनकी कॉल थी हम उनका जवाब दे देते हैं कि मिर्गी का उनको प्रॉब्लम था। अच्छा, ये हमारे भाई जो बलूचिस्तान से थे, इनको जो अपनी बेटी का मसला बता रहे थे, ये जो हम क्लासिकल एपिलेप्सी या मिर्गी जिसे कहते हैं वो है। अच्छा, ये काबिल इलाज मर्ज होता है और ज्यादातर जैसे ये बता रहे हैं कि टेस्ट कराए कुछ नहीं आया, इनके टेस्टों में कुछ नहीं आता। सही बात। मतलब MRI भी आप कराएंगे, कुछ भी कराएंगे, वो सब साफ आएगा। एक तरीकाकार होता है जिसे हम एक टेस्ट होता है जिसे हम EEG कहते हैं, उसके जरिए आपको पता चल सकता है कि इसको मिर्गी है। लेकिन ये भी कोई पत्थर की लकीर नहीं होता कि EEG नॉर्मल आ जाए तो मिर्गी नहीं है। सो ये ज्यादातर क्लिनिकली ये डायग्नोस होता है जिस वक्त इनको अटैक हो, इसको उनको ऑब्जर्व करना पड़े और वो उसके जरिए डायग्नोसिस होती है। और मिर्गी का जो इलाज है वो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसको इनको चाहिए कि किसी फिजिशियन को या न्यूरोलॉजिस्ट को, अगर फिर फिजिशियन भी है तो उनको दिखाएं, तो वो कुछ दवाइयाँ बच्ची के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे और उससे इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएंगी। कोई ऐसा मसला नहीं है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है लेकिन ये कि लोग ठीक हो जाते हैं और फिर दवाइयों पे कंट्रोल में रहते हैं। बीमारी चैलेंजिंग होती है, इसको सही तरह मैनेज किया जाए तो कंट्रोल में रहती है। अच्छा डॉक्टर फसी, एक और सवाल है कि जैसे हम यूजली सुनते हैं कि फेफड़ों में पानी भर जाना, तो इससे क्या मुराद होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, ये भी क्या निमोनिया के अंडर ही आता? अच्छा देखिए, फेफड़े जो है ना, ये एक ऑर्गन है जिसमें छोटे छोटे एल्वेलाई जिसे हम कहते हैं, जिसमें एयर होता है जिसके थ्रू हम ब्रीथ करते हैं या सांस लेते हैं। फेफड़ों में पानी का एक्चुअल मतलब होता है फेफड़ों से बाहर पानी या फेफड़ों के अंदर पानी, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ज़्यादातर लोग जो हम कहते हैं ना कि फेफड़ों में पानी भरना, वो फेफड़ों के बाहर का जो एक थैली होती है जिसमें फेफड़ा मौजूद होता है, जो सीने की दीवार और फेफड़ों के दरमियान का जो खला होता है उस एरिया में पानी भरने को फेफड़ों में पानी भरना कहा जाता है, जिसे हम अपनी मेडिकल ज़बान में प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। अच्छा, इसकी अमूमी तौर पे 2 से 3 वजूहात हैं, वैसे तो बेशुमार हैं लेकिन जो ज़्यादातर कॉमनली हम देखते हैं वो एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ निमोनिया, यानी निमोनिया इस हद तक बढ़ जाए कि उसकी वजह से फेफड़ों में पानी आ जाए। दूसरा TB है, TB में हम अमूमी तौर पर देखते हैं कि फेफड़ों में पानी आ जाता है। और तीसरी चीज़ है हार्ट फेलियर, यानी दिल अगर फेल होता है तो उसमें भी फेफड़ों में पानी आता है। तो ये वैसे तो बहुत सारी, लेकिन ये 3 उमूमी वजूहात हैं जो अगर हम इस हवाले से देखें तो ये एक वजह हो सकती है। दूसरी चीज़ जो फेफड़ों में पानी कहते हैं, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, यानी लंग्स के अंदर पानी आना, यानी ये जो एयर वेज हैं, एल्वेलाय, इनमें पानी आना, इनमें ये भी ज़्यादातर हार्ट फेलियर में होता है। सो ज़्यादातर जो अगर आप फेफड़ों में पानी समझे, तो अगर 2 टॉप डिफरेंशियल या 2 वजूहात सोचें तो उसमें एक निमोनिया है, ठीक है, किसी भी किस्म का, और दूसरा दिल का फेल होना, इसके अलावा गुर्दे का फेल होना, लिवर का फेल होना, थायराइड का मसला, ये सब भी फेफड़ों में पानी की वजह हो सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फसिया, क्या निमोनिया की कोई टाइप्स भी होती हैं?
हाँ टाइप्स तो हैं, वो उसको हम लोग मेडिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी क्लासिफिकेशन बनाते हैं, मॉडरेट है या बिल्कुल करते हैं। उसमें दो तीन चीजें, जैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एक तो जनरल ये है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है जिस बग से आपको हुआ उस हवाले से, तीन टाइप्स हैं। फिर माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर की कैटेगरी बनाई गई है। माइल्ड का मतलब बिल्कुल मामूली हल्की, मॉडरेट का मतलब जिसमें कुछ असरात और खांसी और बुखार के अलावा जिस्म पे आना शुरू हो जाए, यानी कि नमकियात की कमी या ज्यादती, पेशाब की कमी, गुर्दे पे असरात और मसले मसाइल। और फिर सिवियर के अंदर ये होता है कि मरीज़ बिल्कुल सांस लेने के काबिल ना रहे और फिर जो है उसको कभी वेंटिलेटर पे डालना पड़े, कभी गुर्दे बिल्कुल फेल हो जाए, क्योंकि एक इन्फेक्शन से बहुत सारे ऑर्गन फेल भी हो जाते हैं। तो ये जनरल कैटेगरी माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर डॉक्टर की समझ के लिए बनाई गई ताकि हम अंडरस्टैंड करें उसको, उस हिसाब से उस अग्रेशन के साथ इलाज किया जाए। ये जनरली दो तीन जिसे कहें क्लासिफिकेशन है जिसमें हम एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आपसे बात हुई थी तो वो जो दो डॉक्टर आए थे पिछले हफ्ते उनके बारे में पूछा था, तो वो शुगर के जो डॉक्टर थे वो खातून नहीं थी, मर्द थे। जी जी, डॉक्टर फहीम शेख नाम है उनका, ठीक है, और वो भी आगा खान में ही होते। अच्छा जी बिल्कुल, वो भी आगा खान में होते और डॉक्टर फहीम शेख नाम है उनका। मेमन मेडिकल सेंटर में पहले आपने बताया था। अच्छा मैं आपको दोबारा से चेक करके बताती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सारे डॉक्टर्स आते हैं। अच्छा अच्छा डॉक्टर डॉक्टर फजी, अच्छा मैं एक और चीज़ जानना चाह रही थी कि जैसे निमोनिया की हम बात करें, वैक्सीन वैक्सीन पे भी बात करना चाह रही थी कि फ्लू वैक्सीन निमोनिया की अलग वैक्सीन है, तो क्या वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है? अच्छा देखिए, कोविड की वैक्सीन ने एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त की है, वो ये है कि एज ए कम्यूनिटी हम पाकिस्तान में वैक्सीन को डिस्कस करने लगे, और इससे पहले वैक्सीन के हवाले से बड़ा एक जनरल रुझान था कि मतलब इतना रुझान नहीं था, लोग नहीं लगाते थे। अच्छा वैक्सीन जो है जो कोविड से पहले भी मौजूद थी वो फ्लू वैक्सीन थी और नमूनिया वैक्सीन थी। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बिल्कुल समराइज करके बता देती हूँ किन कंडीशन में लगानी चाहिए और इस वैक्सीन लगाने से क्या हो सकता है। देखिए फ्लू वैक्सीन जो हैं वो उमूमी तौर पर जितने वायरसेस जो समझ में आते हैं जो लैब से जनरेट जो हमें हमारी हिस्ट्री मौजूद है जो जो वायरसेस हैं उनके हवाले से एक वायरस की एक समझे वैक्सीन इस तरह कोविड की है। ठीक है, और इसको लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कोविड को हटा दीजिए, कोविड वैक्सीन के अलावा जो दूसरे वायरस हैं नॉर्मल वायरसेस, तो उसमें का फ़ायदा ये होता है कि आप जिस तरह ये वायरसेस कोविड वायरस की वैक्सीन लगाने से फ़ायदा होता है कि कोविड वायरस इतना ज़्यादा सिवियरली इफेक्ट नहीं करता, इफेक्ट फिर भी करता है। सेम गोज विद द वायरल फ्लू वैक्सीन, जो कि अगर आप लगाते हैं तो आपको फ्लू होगा सही, लेकिन इतना सेवेयर नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ये लगाते रहे, कोविड से पहले भी लगाते थे, तो लोग ज़्यादातर कहते थे कि डॉक्टर साहब वायरस की वैक्सीन लगा दी फिर भी फ्लू हो गया, तो ये ऐसा नहीं होता कि वो ना हो, लेकिन तो इंटेंसिटी कम हो। तो इसमें हम आप सोचिए, अगर आप कॉमन सेंस से सोचें तो किन मरीजों में ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है? उन लोगों में जिनमें अस्थमा है, जिनके फेफड़े बहुत बुरी तरह कमज़ोर हैं, जिनको कोई बीमारियां हैं, जैसे मिसाल के तौर पर फेफड़ों की कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से फेफड़े ख़राब हैं, या कोई और कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम है उनका, उनमें आप लगाएं, ज़ईफ़ुल उम्री में और यंग एज में लगाएं, ये एक जनरल इंडिकेशन है। अच्छा जहाँ तक ताल्लुक है न्यूमोकोकल वैक्सीन का जो नमूनिया के अगेंस्ट है, ये भी समझना ज़रूरी है कि ये वैक्सीन सिर्फ न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के अगेंस्ट है, क्योंकि सिर्फ न्यूमोकोकल बैक्टीरिया नमूनिया नहीं करते, ज़्यादातर करते हैं लेकिन वो ही नहीं करते जिसमें आपके पास क्लेप्सियला है, लिजिनेला है, माइकोप्लाज्मा, और भी बहुत सारे वायरस बैक्टीरियाज हैं सॉरी जो इन्फेक्शन कर सकते हैं, एटिपिकल बैक्टीरियाज हैं। तो अब न्यूमोकोकल बैक्टीरिया की वैक्सीन अगर हम लगाते हैं तो ये समझना वैक्सीन लगाने वाले के लिए भी ज़रूरी है कि सिर्फ नमूनिया सेकेंडरी टू न्यूमोकोकल ही वो प्रोटेक्ट कर पाएगा। उसके लेकिन एक अफादियत ये होती है कि वो 5 साल तक आपको प्रोटेक्शन देती है, और अगर आप कंटिन्यूसली बूस्टर लगाएं तो वो आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। हाँ, इनमें भी मैं समझती हूँ कि हर मरीज को लगाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, एक दफा भी लगवा सकते। जी जी, वो क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देती है, 5 ईयर्स तो देती ही देती है। तो ये भी हम पहले रिकमेंड करते थे उन लोगों की जिनकी अंदर ये सारी वीकनेसेस हैं, एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है,
या डायबिटीज या अस्थमा, उनमें ही फायदेमंद होती है ताकि कम से कम एक ऑर्गेनिज्म से आप बच जाते हैं. वेरी ट्रू. अच्छा, एक और वहाँ पे सवाल है कि बहुत सवाल एक सुनने में आता है कि बच्चों में पसली चलना क्या है, और बहुत पहले एक सफ़ेद तेल आता था इसको लगाने से फ़ायदा होता था, क्या अब कोई ऐसी दवा है जो सर्दियों में घर में रखी जा सके कि बच्चों को आप पहले से बचा सकें? मौसम बदलता है, आपने जैसे कहा कि फ़ौरन ही फ्लू नज़ला जुकाम होता है, वो माएँ हमारी नहीं थी वो क्या कहते हैं उसको, अजवाइन और लहसुन किसका तेल कहते हैं सीने पे लगाओ, तो उसके बारे में पूछो. पसली चलने का बाकी क्या मतलब? एक्चुअली पसली चलना एक कॉमन टर्म है जो सांस जब बच्चों का तेज तेज चलता है ना, छोटे बच्चों में नमूनिया की अलामत क्या होती है, जैसे मैंने बताया क्लासिकल अलामत तो होती नहीं, वो नहीं बताते कि उनका गला ख़राब है या कोई हो रहा है, खांसी हो रही है. तो माएँ इस तरह पिक किया करती थी, और डॉक्टर्स भी हम अभी भी छोटे बच्चों में इसी तरह पिक करते हैं कि उनकी जो सांस तेज़ चलती है और सांस लेने में उनको दुश्वारी किस तरह पता चलती है कि इनकी जब पसलियाँ ख़त्म होती हैं उसके नीचे इन ड्राइंग होती है, यानी कि सांस लेते वो पसली को अंदर की तरफ खींचते हैं. इस तरीके से ये पिक होता है कि छोटे बच्चे में नमूनिया हो गया. तो बिल्कुल ये एक टर्म है जो कि वैलिड है, किसी की पसलियाँ चलें तो वो नमूनिया का खदशा उसमें बहुत स्ट्रांग होता है. और जहाँ तक तेल का ताल्लुक है जी, तेल तो ऐसी लाजवाब चीज़ है, बचपन में छोटे बच्चों को तो सब सर माएँ मालिश करती है, बिल्कुल वार्म देती है, आपको गर्म रखती है, कम्फर्टेबल रखती है, तो वाई नॉट. एक और कर लेते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. रमना बात कर रहा हूँ जी. रमना जी, ये अगले बदन से है ना, मेरी वाइफ को जो है ना पूरा एक साल के बाद अमल था एक साल चला, उसके चार महीने के बाद फोन आया. ठीक है, फिर वो हेलो जी जी हम सुन रहे हैं. चार महीने के बाद फोन आया, फिर उसका अमल अंदर बह गया, फिर एक साल हो गया उसको, अभी तक पता नहीं है वो है, मैसेज भी नहीं आते. अच्छा, समझ आए डॉक्टर? मुझे ऐसा लगा ये कह रहे हैं कि इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और 4 मंथ में उनका मिसकैरेज हो गया और उनको मेंसेस नहीं आ रहे गालबन शायद. ऐसे कुछ आप एक यही कहना चाह रहे हैं? 8-9-10 महीने हो गए इस बात को. अच्छा ठीक है, फिर आप करवा रहे हैं, कह रहे हैं मौजूद नहीं है. अच्छा बच्चा मौजूद नहीं है? मौजूद है, उसमें मैसेज नहीं आ रहे हैं. अच्छा कि मौजूद है जी. अच्छा फिर अब आपका सवाल क्या है? सवाल ये है, इसमें है जाहिर क्यों नहीं है, मैसेज नहीं आ रहे हैं, तो जाहिर है समझ रही बात इनकी. ये कह रहे हैं कि बच्चा जाया भी हुआ, फिर मेंसेस भी नहीं आ रहे, तो बच्चा मौजूद है. अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट इनको ये लग रहा है. एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि मिसकैरेज के बाद मेंसेस नहीं आते, और एक अब तो पहले तो अल्ट्रासाउंड मौजूद नहीं होता था, तो लोग समझते थे कि प्रोबेबली हमल चल रहा है, तो शायद ये उनको एक कंफ्यूजन है. अल्ट्रासाउंड करके पता चल जाएगा कि हमल है या नहीं, तो अल्ट्रासाउंड करा, बिल्कुल अल्ट्रासाउंड करा के पता कर लें. अगर अल्ट्रासाउंड में हमल नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमल नहीं है, और वो जो माहवारी ना आना यानी मिसकैरेज के बाद, ये मुमी तौर पे हो जाता है. ठीक है, उस हवाले से हाँ परेशान हो, गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करें. कुछ चीज़ें हैं जिसके हवाले से कुछ वक्त के बाद वो दी जा सकती हैं, जिसके बाद मेंसेस नॉर्मल. सामीन आपके कुछ और सवाल भी शामिल करेंगे शो के आखिरी 15 मिनट में पहले घंटे के, और इस वक्त छोटा सा एक टाइम चेक है, टाइम चेक के बाद वापस आते हैं. स्टे ट्यून्ड विद अस. 10:45 AM. This time check is brought to you by AGS maintenance free battery. क्योंकि बात है क्वालिटी की. दरास प्रेजेंट्स 11:11. मोबाइल पर 25,000 का डिस्काउंट, फ्रिज पे 15,000 की बचत, फैशन ब्रांड्स पर फ्लैश सेल. जल्दी से ऐड टू कार्ट करें और 11 नवंबर से एंजॉय करें. दरास 11:11. बड़ी सेल की बड़ी बचत. हॉट 105. दरास प्रेजेंट्स 11:11. मेरी बेडशीट, मेरे कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान कहाँ से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दरास पे, वो भी 11:11 पे, 11 नवंबर से. तो फिर अभी एड टू कार्ट करें. दरास 11:11, बड़ी सेल की बड़ी बचत. अंबर आपकी
होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में सामीन आज डॉक्टर फसिया सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन फ्रॉम डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल और आज हम निमोनिया यानी फेफड़े में होने वाले जो इन्फेक्शन है उस पर हमने बात की बहुत सारे आपके सवाल भी हमने लिए कुछ और सवाल को भी ऐड करते हैं अच्छा डॉक्टर फसिया क्या निमोनिया सीजनल होता है कि गर्मी या सर्दी में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं या गर्मी में भी हो सकता है निमोनिया जनरली गर्मी सर्दी किसी भी सीजन में होता है लेकिन समाउ दी अदर ये जो चेंजिंग सीजन्स होते हैं जिसमें सर्दी गर्मी में कन्वर्ट हो रही होती है जैसे हम कहते हैं फेबरी मार्च और गर्मियां सर्दी में कन्वर्ट हो रही हैं जैसे सितंबर अक्टूबर नवंबर ये सीजन जो ऑटम और स्प्रिंग का होता है इसमें एलर्जीज का चांस ज़्यादा होता है जो एस्थमा फ्लेयर्स आते हैं वो इन सीजन्स में ज़्यादा आते हैं निमोनिया का ताल्लुक क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इस मौसम में ठंड की वजह से जो जनरल ऑर्गेनिज्म है वो सर्दी को पसंद करता है थोड़ा सा और लेकिन फिर वही वाली बात है जब गर्मियों में भी हम ये देखते हैं फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी क्योंकि इनमें दमे की ज़्यादा होती है तो जिसको इन्फेक्शन होता है वो एक तरह से उसमें प्रोग्रेस ज़्यादा आती है मतलब कॉम्प्लिकेट होने का चांस ज़्यादा होता है और इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि कुछ ऐसा इम्यूनिटी डिप भी आता है जिसकी वजह से इसमें हम ज़्यादा देखते हैं जी सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम मैं डॉक्टर एजाज अब्रो बोल रहा हूँ जी जी कहाँ से बात मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ रास्ते में हैदराबाद से मादली जाते हुए ओके अंबर आपसे पूछना है कि आपका ये प्रोग्राम तो लाइव है ठीक है ना जी अगर मैं ये सुनना चाहूँ कि मादली पहुँचते हुए टाइम खत्म हो जाता है और आपका प्रोग्राम पूरा नहीं सुन पाता ठीक है और मीडिया पर अवेलेबल है जी बिल्कुल ये दो मीडिया पे आप देख सकते हैं एक तो मेरा अंबर रजाक का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं AMBERRAZZAQUE ठीक है ये हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा और इसके अलावा हम हॉट एफ एम 105 के फेसबुक पेज पे भी ये तमाम वीडियोस मौजूद होती है अच्छा और डॉक्टर से मेरा सवाल है कि ये फ्लू वैक्सीन जो है ये इसके तो बहुत सारे फ्लू के डिफरेंट टाइप्स होते हैं यहाँ पर जो अवेलेबल है हमारे पास ये फ्लू वैक्सीन है इसका कोई फायदा है ठीक है जी अभी डॉक्टर बताते अच्छा देखिए फ्लू वैक्सीन का मैंने आपको बताया कि कोविड से पहले ये उमूमन उन लोगों में लगाई जाती थी जिनमें वायरस को हमने अवॉइड करना होता था इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड होते थे या अस्थमा का मसला होता था फ्लू कोविड से पहले वॉज नॉट अ डेडली डिजीज आप ये समझने की बात है ना हर एक को समझने की बात है कि कोरोना से पहले फ्लू एक बीमारी खतरनाक नहीं थी तो खतरनाक बीमारी अगर नहीं है एक कॉमन इंसान के लिए तो इसकी वैक्सीन की भी इतनी अहमियत नहीं है इसकी अहमियत उनमें थी जो किसी तरह से इम्यून लो हों जिनमें दमे का मसला हो जिनमें दूसरे मसले मसाइल हों या एक्सट्रीम ऑफ एज हों इसके अलावा इसकी अफादियत नहीं थी सेम गोज विद द न्यूमोकोकल जो वैक्सीन अच्छा अब ये भी समझने की जरूरत है कि निमोनिया का इलाज मौजूद है बैक्टीरियल निमोनिया का इलाज मौजूद है जिसकी हम वैक्सीन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं न्यूमोकोकल तो जब उसका इलाज मौजूद है एक हेल्दी आदमी में उसकी ज़रूरत नहीं है ये भी समझने की ज़रूरत है ठीक है अनलेस एनेंटल एज की एक्सट्रीम है या कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है देखिए कोरोना की वैक्सीन की अहमियत क्यों इतनी है इसकी वजह ये है कि उसका इलाज मौजूद नहीं है एक चीज़ जिसका जो इलाज है अगर उसकी कोई प्रिवेंशन मौजूद है तो वो एक मास लेवल पे करनी चाहिए हर एक को लगानी चाहिए लेकिन ये जो बीमारी है न्यूमोकोकस की न्यूमोकोकल जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है निमोनिया है इसका इलाज मौजूद है तो सिवाय उन लोगों में जो एक्सट्रीम एज के हैं जिनमें ये हो सकता है कि ये इसमें जो मरीज मुब्तला हो के उसमें चांसेस ये है कि जान भर नहीं हो सकता बाकी में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका एक काबिल इलाज मतलब इवन एक्सट्रीम एजेस में भी काबिल इलाज है तो इसलिए इसकी वैक्सीन की उतनी अहमियत नहीं है जितनी कोविड वैक्सीन की है सेम गोज विद द फ्लू का इलाज नहीं है बिल्कुल आप ठीक है अच्छा एक और सवाल है बहुत जेनरिक सवाल है खांसी का क्या करें हर वक्त हो जाती है बच्चों में बड़ों में क्या करें अच्छा देखिए खांसी के लिए ना थोड़ा सा समझना जरूरी है खांसी इज एज एन आफ्टर मैथ ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक जुकाम खांसी के बाद जनरली जो वायरस फ्लू हम सर्दियों में देखते हैं कॉमन कोल्ड उसके बाद का एक सीक्वेल है उसके बाद होने की एक चीज़ है क्योंकि वो ऊपर से नीचे गले में आता है अच्छा कभी कभी खांसी इस वजह से होती है कि वो नीचे आते आते ब्रोंकस में जिसे ब्रोंकाइटिस करता है जैसे हम अपने जमाने पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस कहते हैं वो वजह होती है खांसी निमोनिया में भी होती है
है, निमोनिया की अगर खांसी है तो आपने एंटीबायोटिक लेनी है, बिल्कुल उसमें आपने डॉक्यूमेंट करना है, उसका बराबर इलाज होना है। लेकिन 100 में से 80% खांसी वायरल इन्फेक्शन के बाद होती है, जुकाम के बाद, जुकाम ख़त्म हो गया, बुखार ठीक हो गया, खांसी चल रही थी, तो हमारा जो एयरवे है वो सेंसिटिव हुआ हुआ होता है और इसी ये एक तरह का एस्थमा का वेरियंट है। तो उसमें आइडियल तरीका ये है कि इनहेलर्स का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हमारे जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है इनहेलर्स यूज़ करने का। मैं भी अगर मरीज को अगर देती हूँ तो वो कहते हैं दुनिया की सारी दवाइयाँ दे दें, टीके लगवा दें, हम पंप नहीं लेंगे, पता नहीं इससे हम आदी हो जाएंगे। तो देखिए कितनी लाजवाब दवाई है कि वो सिर्फ हवा की नाली पे असर करती है, उसको खोलती है, उसमें से बलगम निकालती है और आप ठीक हो जाते हैं, और एक वक्त मुकर्रर तक उसको लेना पड़ता है। तो एक जो जनरल रुझान है खांसी के हवाले से, जो मिसकॉन्सेप्ट है, खांसी के शरबत इतने इफेक्टिव नहीं होते, और बहुत हम शौक से पी लेते हैं, बहुत सारे पूरी बोतलों की बोतलें खत्म हो जाती हैं, उसमें दूसरे सिडेटिव्स होते हैं जिसमें सोते भी रहते हैं, गुनूदगी में रहते हैं और मसले मसाइल। बेहतर ये रहता है कि अपने मालिक से रुजू कीजिए, वो आपको बेहतर इनहेलर्स बताएंगे जिसके बाद आपको, और बाकी होम रेमेडीज तो चलती हैं, शहद है, दालचीनी है, काली मिर्च, भाप का भी बड़ा रोल है, स्टीम है बिल्कुल, क्योंकि वो आपको क्या करते हैं, वो बेसिकली जो आपका रिफ्लेक्स है, बलगम फेफड़े तो नहीं लेकिन जो हमारी सांस की नाली है वो कोशिश कर रही होती है जो उसमें म्यूकस या बलगम फंसा है उसको निकाले। दिस इज अ खांसी को आपने दबाना नहीं है, उसको फैसिलिटेट करना है कि वो बलगम निकाले। सो इनहेलर्स आर द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर इट। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा एक और सवाल है, आई थिंक चेस्ट सिटी स्कैन के बारे में, कि चेस्ट सिटी स्कैन कब और क्यों जरूरी है, इको कितने गैप के बाद कराना चाहिए, कहते हैं कि बार बार इको हार्ट पर भी इफेक्ट करता है। एक तो ये दो सवाल है, पहले तो ये सीटी स्कैन क्यों करवाना चाहिए, सीटी स्कैन नहीं करवाना चाहिए, यू डोंट नीड सीटी स्कैन। सीटी स्कैन एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट नहीं है, वो कोविड के बाद बन गया है, किसी को जुकाम खांसी बुखार सीने में दर्द है, खौफ है कि कोविड नहीं हो, जल्दी से करा दें। सीटी स्कैन के नुकसान हैं ये समझना जरूरी है, जिस तरह एक्सरे के नुकसान हैं, ये रेडियो एक्टिव जो आपकी रेडिएशन होती हैं ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन अगर मुस्तकिल ली जाएँ तो हो सकती हैं। सो खुदा के वास्ते डॉक्टर अगर आपको कहता है कि भाई सीटी स्कैन अब नागुजीर है तो आप कराइए, लेकिन जनरली हर मरीज को सीटी स्कैन नहीं कराना, बल्कि मैं किसी सूरत रिकमेंड भी नहीं करूँगी कि वो करवाएं सीटी स्कैन अनलेस एंड अंटिल इसकी नीड हो। और जहाँ तक एको का ताल्लुक है, एको एक अल्ट्रासाउंड मशीन होती है जिसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता, और एको भी ये कि रोज़ नहीं कराना चाहिए, अमूमन कराया जाता है देखने के लिए, जो दिल की मूवमेंट है, हार्ट की जो मूवमेंट है उसको रजिस्टर करने के लिए कराया जाता है कि किस हद तक वो काम कर रही है, वो भी अगर आप रोज कराएंगे तो आपको कुछ नहीं पता। क्यों कराना है रोज, कोई और हमें काम नहीं। इसको भी अगर आपने देखना है कि दिल का की जो मूवमेंट है वो बेहतर हो रही है या खराब हो रही है, 3 से 6 महीने का वक्फा जरूरी है। अच्छा डॉक्टर फसी एक और सवाल है, जहीर अहमद है कि सलाम डॉक्टर, मुझे बलगम बहुत ग्रीन कलर का निकलता है, क्यों मसला है ये, कोई मसला है ये? अच्छा देखिए एक थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि जब किसी को फ्लू होता है नॉर्मल तो उसकी फेजेज हैं। पहली फेज में होता है बहता है वो पानी की तरह, सही सिक्रीटरी फेज होता है जिसमें, उसके बाद फिर वो कंसोलिडेट होता है और जो हमारी बॉडी के अंदर की जो आर्मी है जिसमें न्यूट्रोफिल्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं, वो जो हम सेल टाइप्स हैं वो सब फाइट करती हैं उससे, तो वो फाइट करके उसका कचूमर निकालती हैं वायरस का या बैक्टीरिया का, तो वो जो उसकी उसका उसकी जो डेब्रीज जिसे कहते हैं ना, जो उसकी उसका जो ब्रोकन प्रोडक्ट होता है, जब वो टूट फूट जाती है तो वो बलगम बन जाता है, बेसिकली वो डेड बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, और वो डेड सेल्स जो बेचारे आर्मी फाइट करते करते मारे गए, तो उसका वो मलगूबा होता है। अच्छा वो कुछ नहीं होता, वो हरे रंग का होता है क्योंकि वो जो सेल्स हैं वो हरे रंग के होते हैं, सो वो नॉर्मल है, ग्रीन कलर, येलो कलर, वाइट कलर जो भी है वो सही है। सो वो बेसिकली इट्स वो एक कंपोनेंट है स्प्यूटम का जिसे हम बलगम कहते हैं, वो येलो। अच्छा डॉक्टर फैसिया, हमारे पास 5 मिनट है, निमोनिया को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, ठीक है, और ज़ाहिर है निमोनिया को हमें बहुत हल्का नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये आगे अगर बहुत वर्स हो गया तो अदर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है, तो हमें इस पर टाइमली ट्रीटमेंट करना चाहिए। हम एक सम अप करें तो एंटीबायोटिक्स कम से कम इस्तेमाल करें जब तक डॉक्टर रिकमेंड ना करें। अच्छा डॉक्टर फैसिया, मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी सर्दी का मौसम का आगाज़ हो चुका है, अभी शदीद सर्दी ज़ाहिर आगे के 2-3 महीने में हम देखेंगे, ठीक है, हमारे बच्चे और हमारे बूढ़े,
ठीक है, इनका स्पेशल ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। आपकी तरफ से मुझे कोई ऐसी टिप चाहिए कि हम अभी से अपने बच्चों को, ज़ाहिर है वो स्कूल भी रोज़ खुल गए, रोज़ सुबह स्कूल भी जाएंगे, ठीक है, और हमारे बूढ़े भी ज़ाहिर है नमाज पढ़ने भी फजर पे जाते हैं, तो एक ऐसी टिप दे दें कि ये लोग इस मौसम को अच्छे से हैंडल कर सकें। अच्छा देखिए, कुछ भी नहीं करना, बच्चों को वायरस से और बैक्टीरिया से प्रिवेंशन की कोशिश करनी है, दैट्स अबाउट इट। कोई दवाइयाँ, कोई माजून कुछ नहीं देने। जब ये मौसम आ रहा है ना, अब ये मौसम ऐसा है, दिन गर्म रातें ठंडी होती हैं, सही है, तो थोड़ा सा एहतियात ये किया जाए कि बच्चे रात को कवर करके सोएं ताकि उनको चिल ना लगे जनरली, ठीक है। बच्चे कुछ खाना खा रहे होते हैं गर्मियों में, ठंडा पानी, वो के ये एक कॉन्सेप्ट है कि क्या ठंडे पानी से इन्फेक्शन होता है, गले ठंडे पानी से गला इरिटेट होता है, सो ज़ाहिर फिर वो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो थोड़ा सा ये कि अपनी डाइट को चेंज करें मौसम में। अच्छा, कराची में जनरली रुझान नहीं है गर्मी सर्दी में डाइट चेंज करने का, सर्दी है तो चलो आइसक्रीम खाने चाहिए। लेकिन आप अगर अप नॉर्थ जाएं, इवन बलूचिस्तान जाएं, तो वहाँ पर प्रॉपर जो है वो टाइम वो चेंज हो जाता है। तो एक तो ये कि डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, ठीक है, वार्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, मौसमी फल ज़रूरी है खाना, ठीक है। बच्चे शाम में बाहर जा रहे हैं अगर खेल रहे हैं तो कवर्ड क्लोथ्स पहने, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल तो डेंगी है तो हम समझते हैं कि मॉस्किटो रिपेलेंट है, कवर्ड नेक्स्ट इसी शो में डेंगी पे बहुत बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल बहुत देखा जा रहा है, सो इस पे ध्यान दें और दैट्स अबाउट इट। और जो जंक वगैरह खा रहे हैं बच्चों को, खुदा के वास्ते उनको तो हर सीजन में अवॉइड करें। फिर भी बच्चों को अगर जुकाम होता है, जो होता है वो समझें कि ये उसकी बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें भी सपोर्टिव केयर दें, अच्छी डाइट दें, चाइल्ड वुड बी बेस्ट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर फसिया, और हमेशा की तरह आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप हम सबको, हमारे सामईन और नाज़रीन दोनों को आप बताया आपने, आई थिंक बहुत फ़ायदेमंद है, और हमें यकीनन अब निमोनिया या जो आने वाले मौसमी ऐसे तमाम इन्फेक्शन जो हमारे फेफड़ों को असरअंदाज करते हैं उस पर हम अच्छे से अब जान सके होंगे। आखिर में कुछ कहना चाहेंगी सामईन के लिए, रेडियो की अफादियत पर कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो समझती हूँ कि ये एक जिसे कहना कि अंधेरे में एक रोशनी की किरण सी आपका ये सिलसिला जो है, क्योंकि देखें बहुत सारे लोग जो है उनमें वक्त नहीं होता, वो ड्राइव थ्रू या ऑफिस जाते हुए वापस आते हुए रेडियो पे सुनते हैं, बहुत लाजवाब है। इसमें मैं समझती हूँ कि और बहुत सारे ऐसे लोग जो जो अभी भी इसकी पावर को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बहुत पावरफुल मीडिया है जिसमें आप उनको अवेयरनेस दे सकते हैं। सदका जारिया, ये लोगों को समझाएंगे, उनको समझ आएगी, और एक कॉमन आदमी से हमारे बलूचिस्तान में जो भाई थे वो इसी के थ्रू उनको ये नॉलेज मिलती, तो ये चीज समझ, इसको इसकी बड़ी अहमियत है और इसको हल्का ना लिया जाए, बहुत ही लाजवाब। और ये हमें आगाही का प्रोग्राम जो हम लोगों को दे रहे हैं सेहत के ऊपर, वो हम यकीनन इसको जारी रखेंगे। और अच्छा, एक और हमारे पास कॉल आई थी, मैं उनका जवाब देती हूँ। डॉक्टर नदीम नईम थे, ठीक है, जो आप कह रहे थे कि वो जो शुगर के डॉक्टर थे, और यकीनन वो मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट में वहाँ पर होते हैं, और ये सफूरा पे उनका अस्पताल है, तो आप वहाँ जाके उनको दिखा सकते हैं, डॉक्टर नदीम नईम। थैंक यू सो मच डॉक्टर फसी, आप हमारे शो में आई सामी, नहीं, और यकीन कीजिए कि मतलब आप वन ऑफ दोज डॉक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम ऐसी जेनरिक बात करते हैं कि जिससे सामीन को सुनने में लगे कि यार वाकई उनके मर्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपकी ओपीडीज और सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप हमारे पास आई। सामीन, अभी आपने कहीं नहीं जाना है, अगले एक घंटे में ज़ियाबतीज़ और हमल के ऊपर बात करेंगे, हिल्टन फार्मा की तरफ से डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, और अभी खबरों का एक वक्फा है, खबरें सुनिए और फिर हम आगे चलते हैं। Stay tuned with us. Now it's time for Hum News on Hot FM 105.